नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। कंबल वितरण के लिए कर दिया गया है टेंडर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। नवागत एसडीएम सदर के रूप में नेहा बंधु आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना होगा पहली प्राथमिकता। शासन की योजनाओं का नागरिकों को दिलाया जाएगा लाभ। संचारी रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं नगर निगम के कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कहा, सम्मान मिलने से होता है उत्साह वर्धन तथा अच्छे से और अच्छा काम करने की मिलती है प्रेरणा। आईएमए गोरखपुर का सचिव पद का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। कड़े मुकाबले में डॉक्टर अमित मिश्रा ने डॉक्टर दीपक मोदी को 17 वोट से किया पराजित। आईएमए गोरखपुर की कार्यकारिणी के सभी सदस्य पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं निर्वाचित। डॉक्टर अमित मिश्रा को मिले 192 मत, वही डॉक्टर दीपक मोदी को मिले 175 मत। आईएमए के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एससी कौशिक ने दी जानकारी। बुलडोजर चलवाकर पुराने आरटीओ कार्यालय के सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को पुलिस प्रशासन ने करवाया खाली। वर्षों से था जमीन पर अवैध कब्जा। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश एवं शुभ स्कल्प्टर्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 13वीं राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। समाज के ज्वलंत मुद्दों पर छोटे बच्चों व छात्र छात्राओं ने रेत पर अपनी भावनाएं उकेर कर दिया संदेश। उत्कृष्ट शिल्पकारों को किया गया सम्मानित। कहा, अनेकों ज्वलंत विषयों पर बालू से कलाकृतियों को बनाकर समाज में हो रही बुराइयों को दूर करने का शिल्पकारों ने किया प्रयास। प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता दूसरे दिन भी रहा जारी। प्रतियोगिता के संयोजक ने कहा, 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को नगद धनराशि सील्ड व मेडल से किया जाएगा सम्मानित। और ठंड के मौसम में हड्डी के मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा, ज्यादातर गठिया यूरिक एसिड और पुरानी चोट के आते हैं मरीज। अब खबरें विस्तार से। जनपद में ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की सभी तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि ठंड को देखते हुए कंबल वितरण के टेंडर को फाइनल कर दिया गया है। इसके अलावा जनपद के सभी रैन बसेरों की साफ सफाई करवाया जा रहा है, जिससे अगर कोई व्यक्ति रैन बसेरों में रुकने के लिए जाता है तो उसको सभी सुविधा मिल सके। इसके अलावा हाईवे पर जितने भी कट्स बने हुए हैं उसको बंद किया जा रहा है। हाईवे पर पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिससे कोहरे के समय एक्सीडेंट कम हो। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिस जगह पर अलाव जलना है उस जगह को चिन्हित किया जाए, जिससे ज्यादा ठंड पड़ने पर अलाव का व्यवस्था किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, जहाँ का लाइसेंस बना हुआ वहाँ के लिए जो हमारे कमल का जो टेंडर होना था वो लगभग फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। इसके अतिरिक्त जितने भी रैन बसेराज हैं नगर निगम के और नगर पंचायत के, उसको चेक कराया जा रहा है और इंश्योर किया जाएगा कि जो भी लोग वहाँ जाएँ उनको पूर्ण सुविधा मिले, बिना हैजल फ्री, किसी बिना किसी परेशानी के। इसके अतिरिक्त जितने भी कट्स हैं अवैध बने हुए उसको डिमार्केट किए जा रहे हैं ताकि उसको बंद करें, और हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए ताकि कुहासा में एक्सीडेंट्स कम हो। ये हम लोग का प्रायोरिटी है, इसी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये जगह भी चिन्हित किया गया है, नगर निगम और नगर पंचायत को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो उस हिसाब से व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा।
जनपद में सदर तहसील के एसडीएम के रूप में एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस नयाबंधु ने कार्यभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में नवागत एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस नयाबंधु ने बताया कि 2020 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और बलरामपुर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गोरखपुर में बांसगांव तहसील में एसडीएम के रूप में कार्य कर चुकी हैं, अब सदर तहसील में एसडीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करना पहली प्राथमिकता होगी, जिससे किसी भी नागरिक को बार बार तहसील के चक्कर ना लगाने पड़े। इसके अलावा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर तहसील की नवागत एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस नेहा बंधु ने कहा, इससे पहले मैंने बलरामपुर में प्रशिक्षण लिया है। मैं 2020 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ और गोरखपुर में इससे पहले मैं बांसगांव तहसील में एसडीएम थी। अब मैंने सदर तहसील में कार्यभार ग्रहण किया है। किस तरह से काम किया जाए जहाँ पर तमाम समस्याएं जी? मेरा जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो जन सुनवाई है, जो जनता की जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें किस उनको बार बार उस चीज़ के लिए किसी विषम परिस्थितियों का बार बार तहसील के चक्कर ना काटने पड़े, ये मेरी प्राथमिकता है। और जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन मेरी प्राथमिकता रहेगी। संचारी रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजन नगर निगम के सभागार कक्ष में किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि संचारी रोग पर नियंत्रण और रोकथाम करने में स्वास्थ्य विभाग के 6 अधिकारी एवं नगर निगम के 10 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया, जिसमें सीएमओ सहित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की टीम दोनों ने मिलकर संचारी रोग में काम किया है। उन्होंने कहा कि सम्मान मिलने से उत्साह वर्धन होता है और अच्छे से अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है तथा सभी अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं में मिलजुल कर काम करें और आगामी संचारी जैसी बीमारी ना फैले, इस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाई जाए। सम्मानित होने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नंद कुमार, एसआईसी महिला अस्पताल डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, के एन बर्नवाल, अमरनाथ जायसवाल, जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अभी एक महीने बढ़ा करके माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश से बढ़ाया गया था, उसमें भी हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के काफ़ी बेहतर काम किया, जिससे संचारी रोगों के नियंत्रण में इस पूरे शहर को काफ़ी सफलता मिली। उसमें नगर निगम का एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों का जो योगदान रहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। मैं माननीय महापौर जी का धन्यवाद इसलिए भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी नेक पहल की है कि जो भी लोग इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिए, अपनी सहभागिता दिए, उनको सम्मानित करने का यह कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया। सर, निश्चित रूप से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और नगर निगम परिवार के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि अपने उन लोगों को जो इस इतनी बड़ी लड़ाई में इतना अपना योगदान दिए, अपना सहयोग दिए, उनको सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। तो आपके आदेश से, आपके अनुमोदन से हम लोग सबसे पहले आदरणीय मुख्य सचिव जी से आग्रह करूँगा कि आप इनको पुष्प कलिका एवं साल ओढ़ा करके सम्मानित करने का। सर और पास थोड़ा दी सर।
सर। श्री केएन बर्नवाल जी आयुष न्याय बन चुका था, संचारी रोगों के लिए था, लेकिन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जब से शपथ लिए प्रदेश की बागडोर संभाले, तब से वो एक चिकित्सक की तरह से उन्होंने संचारी रोगों का उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया और उसमें साल भर में 3 बार जो है एक एक माह का संचारी रोग जो पखवाड़ माह मनाया गया वो अपने आप में एक अद्वितीय था। ऐसा मॉडल कहीं पूरी दुनिया में नहीं था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि हम 12 विभागों का समन्वय स्थापित करके संचारी रोग का उन्मूलन करेंगे। गोरखपुर जहाँ पर JEES के लिए बदनाम था, जहाँ पर जो होता था प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या हजारों में हुआ करती थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमारे नगर आयुक्त महोदय ने उसे पूरी तरह से अंगीकृत किया और हम लोग जहाँ कहीं भी सूचना देते थे कि सर यहाँ JEES का केस निकला है, यहाँ डेंगू का केस है, यहाँ मलेरिया का केस निकला है, तो तत्काल वहाँ पर जो है जो हमारे सर की नियंत्रण टीमें रहती थी वो पहुँच करके जो भी लार्विसाइडल और फॉगिंग की व्यवस्था होती थी, साफ सफाई की व्यवस्था होती थी, पूरा भरपूर किया। महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और माननीय महापौर जी का मतलब ये हमेशा सोच रहती है कि पूरे जनपद में और पूरे चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो उसमें सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना, एक समेकित विकास की भावना से ओतप्रोत होकर वो इस प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते हैं जिससे कि सभी को, अभी CMO सर ने बहुत एक अच्छी बात कही कि सभी को, हर आदमी को कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर एक प्रोत्साहन की, एक हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है और जब ऐसे हौसला अफजाई होती है पब्लिक प्लेस पर तो और लोगों के मन में और भी बेटर करने का एक अच्छा और भी अच्छा करने की एक चाह पैदा होती है और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं एक बार पुनः मैं CMO साहब और आपकी पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ बधाई देना चाहूँगा और इसमें कुछ हमारे जैसे कि मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा, मैं सब बताना चाहूँगा कि जो लोग छूट गए इसका मैं बाई चांस आप पर्सन में चूँकि जल्दी जल्दी मामला था जिसमें कि सबसे अच्छा मेरा दो स्टेनो थे, एक तो यहाँ पर बैठे हुए नागुलसी जी कि शायद सबसे ज़्यादा मेरी संचारी रोग नियंत्रण में जिन हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है उनको नगर निगम द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में जिला अस्पताल के मुखिया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी CMO साहब को विशेष रूप से सम्मान किया गया है कि संचारी रोग नियंत्रण में 12 विभागों की टीम बनाकर जो दस्तक अभियान चलाया, नगर निगम ने उनके हर अभियान में अपनी पूरी सहभागिता निभाई, नगर आयुक्त
साहब और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिल कर के काम किया है। हमने नगर निगम के कर्मचारियों को और सीएमओ साहब के 6 अधिकारियों को हम लोगों ने आज नगर निगम द्वारा सम्मान पत्र दिया है और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। और हमें उम्मीद है कि सम्मान मिलने से उत्साहवर्धन होता है और अच्छा से अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसी उद्देश्य से एक कार्यक्रम नगर आयुक्त द्वारा हमारे सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। मैं इसी तरह का हम लोग सम्मान जो अच्छा काम करेगा, ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, हम लोग देते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर और अधिकारी और कर्मचारियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे अधिकारियों में? हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी अधिकारी स्वास्थ्यों के मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम करें और आगे हमारे यहाँ संचारी रोग नहीं फैले, इस पर पूरी तरह नियंत्रण रहे, फागिंग और छिड़काव की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करें। यही मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा और निर्देश दूंगा। आईएमए गोरखपुर के सचिव पद के लिए 2 प्रत्याशियों का चुनाव बुधवार को सीतापुर आई हॉस्पिटल स्थित आईएमए के कार्यालय पर सुबह से ही डॉक्टरों ने मतदान किया। मतदान को लेकर डॉक्टरों में काफी उत्साह दिखा और सुबह से लेकर शाम तक आईएमए के सदस्यों की वोट देने के लिए भीड़ जुटी रही। मतदान खत्म होते ही शाम को मतगणना शुरू हुई। मतगणना के दौरान डॉक्टर अमित मिश्रा को 192 मत मिले और डॉक्टर दीपक मोदी को 175 मत मिले। इस तरह डॉक्टर अमित मिश्रा 17 वोट से सचिव पद के लिए विजयी घोषित हुए। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व सचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता पहले ही निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा चुके थे और आईएमए गोरखपुर के कार्यकारिणी के सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। आईएमए गोरखपुर के सचिव पद के लिए 2 प्रत्याशियों डॉक्टर अमित मिश्रा और डॉक्टर दीपक मोदी के होने की वजह से चुनाव की नौबत आई। कड़े मुकाबले में 17 वोट से चुनाव जीते नवनिर्वाचित सचिव अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि आईएमए गोरखपुर संस्था द्वारा अभी तक हो रहे सभी सामाजिक कार्य निशुल्क हुए हैं। आईएमए में निशुल्क ओपीडी, ऑपरेशन, रक्तदान शिविर जैसे कार्यों को हम और बड़े स्तर पर ले जाएंगे तथा आईएमए में निशुल्क ओपीडी में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं भी प्रदान किया जाएगा तथा नव निर्मित आईएमए भवन में दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएमए के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस सी कौशिक, नव निर्वाचित सचिव डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा एवं नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा, घरेलू हिंसा में महिला जो कह रही है, लेकिन आप भी बोल रहे हैं। सर जब लगा था तो
वहाँ पे पहने और वॉक में ये लीजिए मैडम। मैं डॉक्टर कौशिक आज यहाँ पे IMA का चुनाव करवा रहा हूँ। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ अभी IMA का, और यहाँ पे सचिव पद के लिए 2022-2023 सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें डॉक्टर दीपक मोदी और डॉक्टर अमित मिश्रा प्रत्याशी हैं, और वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और यहाँ पे काफ़ी जोश है IMA के सदस्यों में, सभी लोग भारी संख्या में आकर मतदान कर रहे हैं, और शाम को 6 बजे के बाद जब वोटिंग ख़त्म होगी उसके बाद तत्काल गणना करके और रिजल्ट भी परिणाम भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। केवल सचिव का जी, केवल सचिव का हो रहा, बाकी सारे प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव कर लिए गए हैं। इधर देखिए सर, स्माइल करिए भैया, हंसते रहिए। इतना अच्छा कैमरा पीछे आ जाओ। अरे ब्रिजेश जी सर, एक मिनट। डबल अभी IMA का चुनाव सचिव पद के लिए संपन्न हुआ है, और दो प्रत्याशी डॉक्टर अमित मिश्रा और डॉक्टर दीपक मोदी थे। डॉक्टर अमित मिश्रा को 192 वोट मिले और डॉक्टर दीपक मोदी को 175 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर अमित मिश्रा 70 वोटों से विजयी रहे। जी, मेरा कहना यही है कि जितने भी IMA के काम हो रहे हैं वो आगे वैसे ही होते रहें, जो इम्प्रूवमेंट हम उसमें और कर सकते हैं उसको और इम्प्रूव करें, जनमानस तक हमारा डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो। और हमारा IMA भवन बन रहा है, वो IMA भवन पूर्ण हो जाए और हमारी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे, जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं या जो भी फंक्शंस हैं, वो हम अपना IMA भवन में करें। क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकताएं मेनली यही रहेंगी कि जो झोला छाप हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद किया जाए, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद किया जाए, और जो पेशेंट्स को जो सुविधाएँ IMA दे सकता है, IMA के डॉक्टर अब प्रदान कर सकते हैं निशुल्क रूप से, वो प्रदान किया जाए। देखिए, IMA एक चिकित्सकीय संगठन है जो इसमें कि हर वर्ग के चिकित्सक शामिल हैं। ये संगठन अपने लिए, समाज के लिए काम करता है, तमाम ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो समाज का भला करती हैं। और आगे क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता रहेंगी जो कार्य चल रहे हैं वो ऐसे ही अनवरत चलते रहें, और हमारे पहले जो काम हो चुके हैं वो वैसे ही आगे बढ़ें, और उसमें कुछ निरंतर नया जुड़ता रहे, और समाज सेवा के प्रति हम लोगों की दायित्व जो बनी हुई है वो वैसे ही बनी रहे। जैसे हम लोग का निशल सेवा चल रहा है वो चलता रहना चाहिए, मंदबुद्धि पाल संस्थान चलता है, और IMA भवन भी बनाने के, हम लोग उसमें भी एक माध्यमिक विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलने के कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो शीघ्र ही वो सफल होगा तो उसमें भी किया जाएगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, कंबल वितरण के लिए कर दिया गया है टेंडर, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी।
नवागत एसडीएम सदर के रूप में नेहा बंधु आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना होगा पहली प्राथमिकता, शासन की योजनाओं का नागरिकों को दिलाया जाएगा लाभ। संचारी रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं नगर निगम के कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कहा, सम्मान मिलने से होता है उत्साह वर्धन तथा अच्छे से और अच्छा काम करने की मिलती है प्रेरणा। गोरखपुर का सचिव पद का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। कड़े मुकाबले में डॉक्टर अमित मिश्रा ने डॉक्टर दीपक मोदी को 17 वोट से किया पराजित। आईएमए गोरखपुर की कार्यकारिणी के सभी सदस्य पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं निर्वाचित। डॉक्टर अमित मिश्रा को मिले 192 मत, वहीं डॉक्टर दीपक मोदी को मिले 175 मत। आईएमए के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस सी कौशिक ने दी जानकारी। बुलडोजर चलवाकर पुराने आरटीओ कार्यालय के सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को पुलिस प्रशासन ने करवाया खाली। वर्षों से था जमीन पर अवैध कब्जा। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश एवं शुभ स्कल्प्टर्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 13वीं राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। समाज के ज्वलंत मुद्दों पर छोटे बच्चों व छात्र छात्राओं ने रेत पर अपनी भावनाएं उकेर कर दिया संदेश। उत्कृष्ट शिल्पकारों को किया गया सम्मानित। कहा, अनेकों ज्वलंत विषयों पर बालू से कलाकृतियों को बनाकर समाज में हो रही बुराइयों को दूर करने का शिल्पकारों ने किया प्रयास। प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता दूसरे दिन भी रहा जारी। प्रतियोगिता के संयोजक ने कहा, 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को नगद धन राशि सील व मेडल से किया जाएगा सम्मानित। और ठंड के मौसम में हड्डी के मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा, ज्यादातर गठिया यूरिक एसिड और पुरानी चोट के आते हैं मरीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलडोजर चलवाकर गोरखपुर के पुराने आरटीओ कार्यालय के सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को पुलिस प्रशासन ने खाली कराया। आपको बता दें कि इस समय पुराने आरटीओ कार्यालय में पुलिस ऑफिस संचालित हो रहा है। पुलिस ऑफिस के ठीक सटे सरकारी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे थे। कई साल यहां पर आरटीओ कार्यालय रहा लेकिन कोई भी इसको खाली नहीं करवा पाया। लेकिन जब पुराने पुलिस ऑफिस के टूटने पर पुलिस ऑफिस को यहां पर शिफ्ट किया गया तो एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने इस जमीन को खाली करवाने के लिए प्रयास किया, जिस पर लोगों ने इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर जमीन को खाली करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अवैध अतिक्रमणकारियों ने जमीन को खाली कर दिया और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर पूरे जमीन को साफ करवा दिया। अब इस जमीन को पुलिस प्रशासन अपने अंडर में लेकर कार्य करेगी। Thank you.
राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर किया गया। इस रेत शिल्प प्रतियोगिता में प्रदेश के 25 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 12 टीमें सीनियर वर्ग और 12 टीमें जूनियर वर्ग की हैं। इस रेत शिल्प प्रतियोगिता में कुल लगभग 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है तथा उत्कृष्ट शिल्पकारों को मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस रेत शिल्प के माध्यम से छोटे बच्चों व छात्र छात्राओं ने समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जैसे श्रद्धा हत्याकांड, सेव ट्री, प्रदूषण से नदी को कैसे बचाएं, स्टॉप रेप, नदियों के किनारे शवदाह प्रशासन द्वारा बनाए गए शवदाह स्थल पर करें आदि अनेकों ज्वलंत विषय पर बालू से बनी कलाकृतियों को बनाकर समाज में हो रही इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष ललित कला संगीत अकादमी डॉक्टर भारत भूषण ने बताया कि राज्य ललित कला अकादमी और सुबसा ने बालू से बने कलाकृतियों का आयोजन किया है। इसमें कई महानगरों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें धार्मिक आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ जो देश के ज्वलंत मुद्दे और समस्याओं को भी बच्चों ने बनाया है, जैसे पेड़ पौधे को बचाने को लेकर, गोरखनाथ मंदिर के नाथ परंपरा को, श्रद्धा हत्याकांड, नदियों को स्वच्छ रखने आदि जैसी समस्याओं को बनाया है। आने वाले दिनों में यह कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे देश का मान बढ़ाएंगे। वहीं चंद्रकांती रमावती पीजी कॉलेज की छात्रा प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि राप्ती नदी के राजघाट पर रेत शिल्प का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने अलग अलग थीमों पर अपने अपने कलाकृतियों को बनाया, लेकिन हम लोगों ने श्रद्धा हत्याकांड पर चित्र बनाया है। हम लोगों ने श्रद्धा के आकृतियों को बालू के माध्यम से बनाया है और उसके जो 35 टुकड़े किए गए थे उसके अंगों को भी दर्शाया है। जिस आरी से श्रद्धा को काटा गया था उस आरी को भी हम लोगों ने दर्शाया है। हम लोग अपनी कलाकृतियों के माध्यम से देश को मैसेज देना चाहते हैं कि श्रद्धा जैसा हत्याकांड देश में अब कभी दोबारा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला संगीत अकादमी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, क्योंकि के लिए दो शब्द कह पाना मेरे लिए बहुत विशेष होता है। मंच आपूर्ति के कार्यक्रम के पश्चात हमारे माननीय आज के निस्तारण के साथ शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों में कचरा है, अगर वो विशेष आभार प्रदान रहता है तो इतने सुंदर मंत्री को कठिन कार्य है। जहाँ अति विश्वास है वही आपके साथ धोखा है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई आपका फादर नहीं हो सकता। सभी को नमस्कार और सभी जिन्होंने भी अपनी अपनी जो कुंडी वो कम्प्लीट आगे बच्चे के साथ। सबसे पहले हम अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे उनके ही परिवार में, शहर की जिम्मेदारी होती है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका, बहुत सारे, और ये वास्तव जी को जो कि प्रवक्ता है पीछे वो श्रीमती रीना जायसवाल जी को बड़ी समाज सेवी और संस्कृति से सब पे नजर रहती है, इसलिए ताली बजने को अति प्रिय बचपन के साथी डॉक्टर प्रदीप कुमार साहनी को बताओ। यहाँ पर अखिलेश है, अगला नाम भी ऐसे ही है, फोटो तो हमको बचा के खिंचवानी पड़ती है। मुरारी इंटरमीडिएट कॉलेज सहजनवाद फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, अच्छे लाइन से तो वो पड़ेगा।
बहुत जोरदार नाम है, क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टार है। जोरदार तालियां बच्चों होनी चाहिए। अब नेशनल प्राइज इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गायत्री नगर कूड़ा घाट गोरखपुर से। मजा आ गया यार, बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं मैम आपको। नेहा शर्मा सर, हम लोगों ने यहाँ राजघाट पर रेत से स्टॉप रेप पर कलाकृतियाँ बनाई हैं, जिसमें हम लोगों ने ये अपनी कलाकृतियों द्वारा ये दर्शाया है कि मतलब जो ये आजकल रेप बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ भी गए हैं, और इनको मतलब जो लोग रेप कर रहे हैं उन लोगों को, वो लोग को सज़ा भी नहीं दी जा रही है, जिससे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोगों ने अपनी कलाकृतियों द्वारा यही समझाया है कि ये जो भी रेप हो रहे हैं इसको बंद किया जाए समाज में, इसलिए दिखाया है। मेरा नाम अक्षय कुमार शुक्ला है। आज हम लोग ये जो कलाकृति देख रहे हैं वो ऐसा जल जीवन के ऊपर बनाया गया है, जो मछली है और जो आप का ये सब कूड़ा उड़ा देख रहे हैं वो हम लोग इसीलिए लगाए, बेफालतू में हम लोग नहीं लगाए, इसीलिए लगाए हम लोग को दर्शाना है कि हम लोग कचरा फेंकते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल तो हम ही लोग होते हैं, लेकिन सब कुछ मछलियों का सब बॉडी और सब खराब हो जाता है और वो लोग मर जाते हैं। तो हम लोग इसी को दर्शाना चाहते हैं कि कूड़ा उड़ा ना फेंके और जीवन बचाए। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अब से कोई भी कूड़ा ना फेंके, क्योंकि इससे हम किसी का तो लाइफ खराब होता है ना, जैसे हम लोग का लाइफ है वैसे उन लोग का भी तो लाइफ है। रौनक चौधरी, जो आप कलाकृति देख रहे हैं इसमें जो मछली है उसे मतलब आप दर्शाना चाह रहे हैं कि हम लोग कूड़ा कहीं भी पानियों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मछलियाँ जब आती हैं तो कूड़े को खा लेती हैं और उन लोग से पेड़ सही सीख नहीं रहता है, इसी कारण वो सब मर जाती हैं और पानी भी गंदा हो जाता है, इसी कारण हमें भी पानी को स्वच्छ रखना चाहिए, वही पानी हम लोग भी पीते हैं और वही पानी सबके लिए है, इसीलिए हम लोग को पानी बचाना चाहिए। खुशी त्रिपाठी, किस स्कूल से? गायत्री विद्यापीठ कन्या इंटर कॉलेज। हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये फिगर बनाया है, इसमें एक नहीं तीन तीन चीज़ को हमने दर्शाया है, एक है घर घर तिरंगा और हम लोग ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी दर्शाया, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। ये हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ने हमारे क्रांतिकारी जो मतलब मर चुके हैं उनको भी दर्शाया है, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मोदी जी ने वो आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसे हम लोग ने दर्शाया है, और मोदी जी द्वारा जो घर घर तिरंगा कहा गया है उसे भी हम लोग ने दर्शाया। मेरा नाम नीलू पांडे है, DDU यूनिवर्सिटी से। ये हम लोग का थीम श्रद्धा मर्डर केस पे समर्पित है और समाज में संदेश देना चाहते हैं कि सारी लड़कियाँ सतर्क रहें और फैमिली से जुड़े रहना जरूरी है, ये हम लोग का संदेश है हम लोग के थीम से। और यही कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली भी है, मेरी फैमिली के लोग भी चिंतित होते हैं कि ऐसे न्यूज़ सुनकर, और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अच्छी भी चीज़ है, कहीं ना कहीं ख़राब चीज़ है, और मैं तो ये कहूँगी कि किसी पे ज़्यादा विश्वास का रिजल्ट यही है 35 टुकड़े श्रद्धा के जो हुए, और उसी को हम लोग श्रद्धा को ट्रिब्यूट किए हैं। सचिन चौहान, जीवन का मूल्य जल बहुत ज़रूरी है, जब जल जैसे कि हम लोग जल संरक्षित करना चाहिए ताकि आने वाली जो समय है ताकि इसको यूज़ कर पाएँ पानी का। सर हमने बताया कि जल संरक्षण नहीं करेंगे तो पेड़ सूख जाएंगे, जितने भी चीज़ें हों सूख जाएंगे, नदियाँ सूख जाएंगी, और इसी कड़ी में पानी की बूंद को दिखाए ताकि जीवन है, जैसे बूंद ही जीवन है, अगर हम बूंद बूंद की बचाते हैं, अगर पानी को बचाते ही हैं तो इससे आने वाली पीढ़ी जो होगी वो आगे जाके यूज कर पाएगी ताकि प्रयोग कर पाएगी, इसलिए हम लोग जल संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसको यूज कर पाए। और सर जैसे जैसे पेड़ सूखेंगे, सर पेड़ सूखेंगे फिर से नदियाँ सूखेंगी, ऐसे जीव जान जीवन ही अंत हो जाएगा इसका। सर पेड़ सूखेंगे तो ऑक्सीजन कम होगा। प्राची श्रीवास्तव, ये रेत शिल्प आज यहाँ पे आयोजन किया गया है राप्ती घाट पे, मैं चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज की छात्रा हूँ, और आज हम लोगों ने यहाँ पे
अलग अलग थीम दिया गया था सबको, जिसमें हम लोगों ने श्रद्धा हत्याकांड को चुना जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। और उसमें ये दर्शाया गया कि उसके 35 पीसेस कट करके फ्रिज में स्टोर किया गया था, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग जागरूकता फैला रहे थे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों में? कि लोग बहुत सोच समझ के किसी पर विश्वास करें और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए लोग सजग रहें। महिलाओं को कितना चाहते हैं, महिलाओं बाकी लड़कियों के लिए किस तरह से जी वो लोग भी मतलब दूसरों पे विश्वास कम करें और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। मैं डॉक्टर भारत भूषण, पूर्व अध्यक्ष ललित कला एवं संगीत विभाग और मूलतः चित्रकार। ये सुबसा स्कल्प्टर्स और स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से संयुक्त तत्वावधान में यहाँ गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे जो बालुका क्षेत्र है, तो बालुका मूर्ति शिल्प प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 350 मूर्तिकार अलग अलग शहरों से और इस गोरखपुर नगर के इसमें भाग ले रहे हैं, और तकरीबन 25 टीम आई हैं, 25 दल हैं जो अलग अलग मूर्ति शिल्प की रचना कर रहे हैं। अलग अलग विधा में उभरे हुए म्यूरल, दबे हुए म्यूरल, ठीक है, और उसको थोड़ा सा रंग दे के अबीर से, गुलाल से, चूना से, उसको बहुत आकर्षक रूप दिया इन लोगों ने। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इन मूर्तिकारों ने आध्यात्मिक विषय, दार्शनिक विषय, सामाजिक विषय के साथ साथ जो इस समाज के लिए पूरी दुनिया के सबसे ज़रूरी चीज़ है, जहां हम गलत होते जा रहे हैं, उस पर भी संकेत किया है कि जैसे सेव वाटर, समुद्र को बचाने की बात किया। ये जो बच्चे हैं, अभी युवा हैं, इनके मन में ये भी भाव है तो ये बहुत आगे अच्छा काम करेंगे। सेव ट्री, दरख्तों को बचाओ नहीं तो ये जीवन ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से गोरखनाथ मंदिर का बनाया है, शिव के शिवलिंग में रामचंद्र को बना के, नंदी को बना के, वो एक परंपरा को बनाया है जो नाथ संप्रदाय है, नाथ कल्ट, उस पर काम किया है। तमाम सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर लेके, और इनके प्रतीक कहीं पे ऑक्टोपस है, कहीं पे मछली है, कहीं पे कमल है, इन सब को लेके इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति शिल्प की रचना की है। इन सारे कलाकारों को, मूर्तिकारों को, और जो आयोजक हैं सुबसा स्कल्प्टर्स गोरखपुर की और राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, इनको ढेर सारी बधाई और आभार। देखिए, सुबसा फाउंडेशन प्रतिवर्ष रेत शिल्प कला का कार्यक्रम करता है, इनमें विभिन्न स्कूल और कॉलेज के बच्चे आते हैं और अपनी भावनाओं को शिल्प के माध्यम से इस राप्ती तट पर उधेड़ते हैं। आज बच्चों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों, राष्ट्रीय मुद्दों, सांस्कृतिक मुद्दों पर अपने कला का प्रदर्शन किया है, और एक कोई ना कोई चित्र एक समाज को मैसेज दे रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, आयोजक मंडल से कहूँगा, और विशेषकर मैं मीडिया से कहूँगा कि बच्चों ने अपने जो कला का प्रदर्शन किया है उसे समाज के बीच में ले जाए, उसके समाज को लाभ मिले और इसका बढ़ावा मिले। बच्चों ने राम मंदिर बनाया है, बच्चों ने लव जिहाद पर आघात किया है, बच्चों ने पर जो आक्रमण होते हैं कुछ तो दिखाया है चित्र के माध्यम से। इन सब सारे मुद्दों पर हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, जब प्राचीन काल में हम लिखना, हमारे पास लिपि नहीं थी, तो चित्रकला के माध्यम से हम लोग अपने भावनाओं को उघेरते थे और उसे समाज को मैसेज जाता था। आज मीडिया का युग है, ज़माना बदल गया है, एक छोटी सी न्यूज़ भी आज पूरी दुनिया में एक साथ प्रकाशित होती है,
फिर भी सुरसा फाउंडेशन ने अपने प्राचीन कला को जीवित रखा है, इसके लिए मैं उनकी पूरी टीम को गोरखपुर की जनता की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित महंत दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में प्राइज मनी खेल प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें वॉलीबॉल में 10 टीम व बास्केटबॉल में 8 टीम भाग ले रही है, जो कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो अच्छी टीमें है उनका चयन किया गया है, वह ही प्रतियोगिता में भाग ले रही है। बुधवार को क्वार्टर फाइनल का मैच खेला गया है और 8 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले टीम को 75,000, द्वितीय को 50,000, तृतीय स्थान पाने वाले टीम को 30,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा तथा मेडल व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के हाथों से पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य स्तरीय प्राइज मनी प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने कहा, बहुत बढ़िया इस बार भी यहाँ पर किस्मत बहुत ही बढ़िया मौका था, बहुत बढ़िया आगे और यहाँ पर चीन की दीवार को तोड़ दिया। फोर्ट कॉलेज गोरखपुर वर्सी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सर कृष्णकांत यादव, पूर्व क्रीड़ा अध्यक्ष महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, संयोजक राज्य स्तरीय प्राइज मनी प्रतियोगिता वॉलीबॉल बास्केटबॉल का मैं संयोजक हूँ। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत 3 दिवसीय ब्रह्मलील महंत दिग्विजयनाथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता और 3 दिन में ही अवैधनाथ जी महाराज के वॉलीबॉल प्रतियोगिता राज्य स्तरीय यहां आयोजित है, जिसमें वॉलीबॉल में 10 टीमें और बास्केटबॉल में 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पर आई हुई हैं। जो पूरे प्रदेश से अच्छी टीमें हैं उनका यहां चयन किया गया है। उस प्रतियोगिता के अंतर्गत आज दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल का मैच यहां होंगे और 8 तारीख को सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल का और फाइनल मैच होंगे यहां। सम्मानित भी किया जाएगा इन लोग? हां, सबको यहां पर प्राइज मनी जो है प्रथम के लिए 75,000 रुपये, द्वितीय के लिए 50,000 रुपये, तृतीय के लिए 30,000 रुपये का नगद पुरस्कार है, उसके साथ मेडल और ट्रॉफी के सभी उनको दे के सम्मानित किया जाएगा। 10 तारीख को मुख्यमंत्री भी इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष ही विजेता टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला अस्पताल में ठंड के मौसम में हड्डी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को जिला अस्पताल के ओपीडी में हड्डी रोग से ग्रसित काफी संख्या में मरीजों की लाइन लगी रही, जिसके संबंध में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हड्डी रोग से ग्रसित मरीजों की संख्या ठंड के मौसम में बढ़ जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि हड्डियों में पुरानी चोट होने की वजह से ठंड के मौसम में दर्द शुरू हो जाती है और जो लोग सूर्य की रोशनी में काम नहीं करते हैं ठंड के डर से घरों से बाहर नहीं
निकलते हैं। ऐसे में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है। इस वजह से शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मौसम में ज्यादातर गठिया, यूरिक एसिड और पुरानी चोट के मरीज आते हैं और प्रतिदिन 250 से 300 मरीज हड्डी विभाग में देखे जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा, यहाँ कढ़ाई में दिक्कत होती होगी, दिखा दे यहाँ में दर्द होता होगा, इसको ट्यूमर है, ठीक है, और ये उसका इलाज के लिए आपको मिलने वाले हैं। डॉक्टर पी के त्रिपाठी, प्रमोद कुमार त्रिपाठी। देखिए प्रायः हड्डी के मरीजों की संख्या जो है वो जाड़े में बढ़ जाती है, उसके दो कारण होते हैं बेसिकली। उसमें प्रमुख कारण यह है कि जो पुरानी चोट होती है वो चोट ठंड पड़ने की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, दर्द की वजह से मरीज आते हैं। दूसरे जैसे सूर्य की रोशनी में पेशेंट काम नहीं करते हैं, ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं, इस वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने से जो है हड्डियों में कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है, इस वजह से भी जो है जगह जगह शरीर में दर्द होता है, इस वजह से पेशेंट की संख्या ज़्यादा। मरीजों में ज़्यादातर जो है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ केसेस आते हैं, फिर जो है गठिया के मरीज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो आते हैं, और पुरानी चोट वाले पेशेंट। बाकी जो ट्रामा वाले केसेज हैं, जो फ्रैक्चर वाले केसेज हैं, वो तो उसी फ्रिक्वेंसी में आते हैं जितना पहले आते रहते हैं, तो इसकी वजह से केसेस बढ़ जाते हैं। कितने मरीज प्रतिदिन? आमतौर पर जो है 250 से 300 पेशेंट के आसपास जो है हड्डी विभाग देखे जाते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, कंबल वितरण के लिए कर दिया गया है टेंडर, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। नवागत एसडीएम सदर के रूप में नेहा बंधु आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर ने कार्यभार किया ग्रहण, कहा नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना होगा पहली प्राथमिकता, शासन की योजनाओं का नागरिकों को दिलाया जाएगा लाभ। संचारी रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं नगर निगम के कर्मचारियों को किया गया सम्मानित, कहा सम्मान मिलने से होता है उत्साह वर्धन तथा अच्छे से और अच्छा काम करने की मिलती है प्रेरणा। आईएमए गोरखपुर का सचिव पद का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न, कड़े मुकाबले में डॉक्टर अमित मिश्रा ने डॉक्टर दीपक मोदी को 17 वोट से किया पराजित। आईएमए गोरखपुर की कार्यकारिणी के सभी सदस्य पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं निर्वाचित। डॉक्टर अमित मिश्रा को मिले 192 मत, वही डॉक्टर दीपक मोदी को मिले 175 मत। आईएमए के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एससी कौशिक ने दी जानकारी। बुलडोजर चलवाकर पुराने आरटीओ कार्यालय के सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को पुलिस प्रशासन ने करवाया खाली, वर्षों से था जमीन पर अवैध कब्जा।
राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश एवं शुभ स्कल्प्टर्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 13वीं राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। समाज के ज्वलंत मुद्दों पर छोटे बच्चों व छात्र छात्राओं ने रेत पर अपनी भावनाएं उकेर कर दिया संदेश। उत्कृष्ट शिल्पकारों को किया गया सम्मानित। कहा, अनेकों ज्वलंत विषयों पर बालू से कलाकृतियों को बनाकर समाज में हो रही बुराइयों को दूर करने का शिल्पकारों ने किया प्रयास। प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता दूसरे दिन भी रहा जारी। प्रतियोगिता के संयोजक ने कहा, 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को नगद धनराशि सील्ड व मेडल से किया जाएगा सम्मानित। और ठंड के मौसम में हड्डी के मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा, ज्यादातर गठिया, यूरिक एसिड और पुरानी चोट के आते हैं मरीज। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।